हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन, जिसमें हमने सॉल्व करना है कि प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करना, ठीक है ना, उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो करेंगे, सॉल्व करेंगे कि इनवर्स प्रारंभिक रूपांतरण विधि से किस तरीके से हमें ये इनवर्स ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने पहले पार्ट में भी हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक उसमें करे थे, और बाकी जो हमारा एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो कोई भी वीडियोस, कोई भी एक्सरसाइज होता है उसका पार्ट फर्स्ट जरूर देखा करिए, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में आपके सारे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट होते हैं। वहाँ पर सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ कि किस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं और इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले एक दो क्वेश्चंस करते हैं बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ। ए इज इक्वल टू 2, 5, 1 एंड 3, 2, 5, 1 एंड 3। देखिए, इसका इनवर्स निकालना है, पंक्ति संक्रिया का यूज करेंगे, पंक्ति संक्रिया से, ठीक ना, किसका यूज करेंगे, पंक्ति संक्रिया का यूज करेंगे। पंक्ति संक्रिया का जब भी यूज करते हैं तो इक्वेशंस लिखते हैं, ए इक्वल टू आई ए। जब हम स्तंभ संक्रिया का यूज करते हैं तब इसको जस्ट रिवर्स लिखते हैं, ए इक्वल टू ए आई लिखते हैं, बस इतना लिखते हैं, ए इक्वल टू ए आई इस फॉर्म में लिखते हैं जब हमें स्तंभ संक्रिया करना होता है, मतलब स्तंभ में ऑपरेशंस करने होते हैं। यहाँ पे हम रो में ऑपरेशंस करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखेंगे, 2, 5, 1 और 3, ठीक है, बराबर यहां पे आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1, 0, 0 एंड 1 इंटू ए इंटू ए, ठीक है। तो देखिए यहां पे जस्ट हमें करना क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, जस्ट ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और जो ऑपरेशन इस वाले मैट्रिक्स में करेंगे सेम ऑपरेशन हमें इस वाले मैट्रिक्स में भी करना होता है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे हमें जब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 1, 0, 0, 1 के फॉर्म में, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम ऑपरेशन करेंगे, R2 को चेंज करेंगे, देखिए इसको 0 बनाना है, तो ट्वाइस ऑफ R2 माइनस R1, मतलब एक में अगर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जस्ट यही ऑपरेशंस करते हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं, तो 2, 5 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 3 दोनों 6, 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, इक्वल टू 1, 0 सॉरी 1, 0 तो ऐसे रहेगा, R2 को चेंज करेंगे तो 2 ऑफ R2, ठीक है, 2 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 0, 0 माइनस R1, R1 कितना है, 1 है, तो यहां पे आपका जाएगा माइनस का 1। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड, R2 कितना है यहां पे, 1, 1 और 2 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस R1 कितना है, 0, तो 2 माइनस 0 कितना जाएगा यहां पे, यहाँ पे जाएगा आपका 2 इंटू ए, क्लियर? नाउ अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए हम एक ऑपरेशन करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस, देखिए 1 में अगर 5 से गुणा करके घटा देंगे तो 5 में से 5 गए तो कितना जाएगा, 0, तो 5 ऑफ R2, क्लियर? नाउ 2, 1 सॉरी 2, 0 जगह ये 0 एंड 1 इज इक्वल टू, देखिए R1 को चेंज करेंगे तो R1 चेंज होगा हमारा, R1 माइनस 5 ऑफ R2, R1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 5 ऑफ R2 इसका वैल्यू कितना है 1, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस, 5 एकम 5, 5 और 1 कितना जाएगा 6, ये वाला वैल्यू 6 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो यह -10 हो जाएगा, -1 एंड 2 इंटू, इज इट क्लियर? बस आपको अगर इस तरीके से डायरेक्टली समझ नहीं आता तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे रख दीजिए 0 माइनस 5 इंटू 2, तो 5 दुना 10, 0 में से 10 घटा देंगे तो माइनस का 10, इस तरीके से वैल्यू रख के आप सॉल्व करिए,
ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दो की जगह हमें क्या बनाना है, वन बनाना है। तो इसको अगर वन बनाना है तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे आर वन को चेंज कर देंगे आर वन बाय टू, आर वन को दो से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 0 0 1 बचेगा इज इक्वल टू ये जगह 3 माइनस का 5, क्योंकि इनको दो से डिवाइड करेंगे आर वन को ऑनली, इसको दो से डिवाइड करेंगे 3 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, और माइनस का 1 एंड 2 इंटू ए। इज इट क्लियर? नाउ ये फॉर्म बन गया आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा हमारा, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा ए इनवर्स हो जाएगा, 3 माइनस का 1 माइनस का 5 इंटू 2। इसकी तुलना कर देंगे ना इस वाले इस क्वेश्चन के, इक्वेशन की तुलना कर देंगे तो हमें ए इनवर्स बराबर मिलेगा 3 माइनस का 5 माइनस का 1 2। ठीक, तो ये हमारा आंसर जो है सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका 7th पार्ट क्वेश्चन का, तीन एक पांच दो, ए मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी रो से करेंगे, पंक्ति संक्रिया का यूज करेंगे। देखिए ए बराबर आई ए लिख देंगे, ए बराबर आई ए, तो ए का वैल्यू 3 1 5 2। यहाँ पे आई रखेंगे 1 0 0 1 इंटू ए। नाउ अब देखेंगे कि इस वाले एलिमेंट, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है और इसको 1 बनाना है। इज इट क्लियर? तो इसको पहले 0 बना देते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशंस करेंगे, आर वन चेंजेस टू 2 ऑफ आर वन माइनस, 2 से गुणा करके आर टू से माइनस कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे 2 इंटू 3 माइनस का 5, और दूसरा ऑपरेशन होगा 2 इंटू 1 माइनस का 2। और देखिए दोनों ऑपरेशन करिए यहाँ पे, ये 3 2 6 6 माइनस 5 1 आएगा, 2 1 2 2 माइनस 2 कितना जाएगा 0, और ये 5 2। ठीक है, बराबर यही ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे। आर टू कितना है 1, ठीक है ना, 1 इंटू 2 2 माइनस का 0, ये जाएगा 2 0 इंटू 2 0 माइनस का, आर टू कितना है 1 है, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 0 1 ऐसे रहेगा सेम, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। चलिए देखिए अब ये 1 हो गया, अब इसको 0 बनाना है तो आर टू को चेंज कर देंगे आर टू माइनस 5 आर 1, 5 आर 1 करके इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0, ये 0 और ये 2, क्योंकि इसमें ये वाला टर्म्स 0 है तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए आर टू चेंज करें तो आर वन तो हमारा सेम रहेगा 2 माइनस का 1, ठीक है ना। अब आर टू चेंज कर रहे हैं ना, अब ये चेंज होगा तो आर टू का वैल्यू कितना है 0 माइनस 5 इंटू 2, आर वन का वैल्यू कितना है 2, तो 5 2 10 माइनस का 10। सेकेंड आर टू का वैल्यू है 1 माइनस का 1 इंटू माइनस का 5, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस, इक्वल टू कितना जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू ए। अब इसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो आर टू को चेंज कर देंगे 1 बाई 2 ऑफ आर 2, मतलब आर टू को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 0 0 एंड 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस का 5 एंड 3। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, मतलब इसको हम कंपेयर कर देंगे ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए के फॉर्म में, तो ए इनवर्स इक्वल टू जगह हमारा 2 माइनस का 5 माइनस का 1 और 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है 8 4 3 5 4 ए। ठीक है, तो देखेंगे इसमें सेम पंक्ति संक्रिया का यूज करेंगे, पंक्ति संक्रिया से लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए, ए का वैल्यू है
4354 इंटू सॉरी इक्वल टू 1001 इंटू ए। ठीक है, इसको जीरो बनाते हैं तो आर टू को चेंज कर देते हैं, आर टू चेंजेस टू, इसमें चार से मल्टीप्लाई कर दो, 4R2 - 3R1। ठीक है, ये ऑपरेशंस कर दो इसमें, अब चेंज हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा फंडा है इसमें, या आप अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको वन बना लेते हैं तो चार में से तीन को घटा देते हैं तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। फिर इसको जीरो बनाने के लिए आप आर टू को चेंज कर देंगे, आर टू माइनस थ्री ऑफ आर वन, तो ये भी वन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से टफ लग रहा है तो हम इस तरीके से ऑपरेशंस करते हैं, इसको वन बना लेते हैं सबसे पहले, तो आर वन चेंज कर देते हैं, आर वन माइनस आर टू। ठीक है, चार में से तीन घटा देंगे तो एक, पांच में से चार घटा देंगे तो एक, तीन चार इज इक्वल टू, वन में से जीरो घटा देंगे तो वन, जीरो में से वन घटा देंगे तो माइनस का वन, जीरो एंड वन इंटू ए। ठीक है, इस तरीके से कर लिए सिंपल ऑपरेशंस। अब इसको जीरो बनाना है तो आर वन सॉरी आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस थ्री ऑफ आर वन, आर वन में तीन से गुणा करके आर टू में से क्या कर देते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे वन वन ये तो सेम रहेगा, तीन माइनस का तीन जीरो, क्योंकि थ्री आर वन है ना, इसमें तीन से गुणा करेंगे तो चार में से तीन गया तो कितना बचेगा एक इज इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे तो ये आएगा आपका आर टू जीरो जीरो माइनस का तीन इंटू आर वन, आर वन का वैल्यू कितना है वन है तो एक किया माइनस का तीन, ऐसे आर टू कितना है एक, आर टू कितना है एक। ठीक है, माइनस का थ्री आर वन, आर वन कितना माइनस का वन है तो माइनस वन माइनस माइनस क्या जगह प्लस, तीन एकम तीन, तीन और एक चार, देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे माइनस सॉरी प्लस वन माइनस थ्री इंटू माइनस का वन, तो तीन एकम तीन, तीन और एक चार, यह चार हो जाएगा एक माइनस का वन ऐसे रहेगा हमारा इंटू ए। ठीक है, अच्छा अब इस वाले टर्म्स को जीरो बनाना है तो यहाँ पे आर वन को चेंज कर देंगे, आर वन माइनस आर टू, तो ये वन जीरो जीरो एंड वन। ठीक है, अब यहाँ पे आर वन में से आर टू को माइनस कर देंगे तो वन माइनस का थ्री है तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, प्लस का चार, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक और माइनस का चार तो माइनस का पाँच। ठीक है, और ये जगह माइनस का तीन और ये जगह हमारा चार इंटू ए, तो ए इन्वर्स आ गया तो ए इन्वर्स इक्वल टू जगह फोर माइनस थ्री माइनस का फोर और फाइव। तो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि इसका ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना होता है, तो इसका ए इन्वर्स देखेंगे, सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मापांक निकाल मतलब इसका सारणिक का मान निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, ए मोड, ए मोड कितना आएगा चाचुक 16, 16 माइनस 15 एक आएगा, तो इसका जो मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो सिंपली इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों एलिमेंट में क्या जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल। इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना आंसर चेक करना, तो ये देखिए सेम वही फिनोमेना है, सेम वही ट्रिक है इसमें। देखिए ये हो गया नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, तो इसको भी पंक्ति संक्रिया से ही करेंगे सारे। ठीक है, पंक्ति संक्रिया सिंपल रहता है और कोई कंफ्यूजन नहीं होता इसमें। ए इक्वल टू आई ए, ए इक्वल टू आई ए, ठीक है, तो जस्ट इसमें देखेंगे तो ए तीन दो दस और सात इक्वल टू वन जीरो जीरो वन इंटू ए। अब यहाँ पे ऑपरेशन हमें ये करना है कि इस यहाँ पे वन ये जीरो ये वन और ये सॉरी दो की जगह जीरो और सात की जगह एक होना चाहिए, तो सबसे पहले हम एक ऑपरेशन करते हैं आर वन, आर वन माइनस आर टू, आर वन में से आर टू को माइनस करते हैं, तीन में से दो माइनस करेंगे तो कितना आएगा एक, सात में से सॉरी दस में से तीन सात माइनस करेंगे तो तीन दो और ये सात। ठीक, अब इसमें ऑपरेट करेंगे तो वन में से जीरो माइनस करेंगे तो वन, जीरो में से माइनस वन माइनस करेंगे तो माइनस का वन और जीरो एंड वन, ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
अब इसको जीरो बनाना है तो आर टू को चेंज कर देंगे, आर टू माइनस टू ऑफ आर वन, इसमें वन से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। तो 1 3 ये तो जाएगा जीरो, 3 2 6, 7 में से 6 घटेगा तो कितना जाएगा, एक, कितना आएगा, एक इक्वल टू, देखिए आर टू माइनस टू आर वन, आर टू कितना है यहाँ पे जीरो, माइनस टू इंटू आर वन कितना वैल्यू है हमारा वन, तो 2 1 कम 2, तो 0 माइनस 2 कितना जाएगा, माइनस का 2। नेक्स्ट है आर टू का वैल्यू है 1, सॉरी आर टू को चेंज करना है, -1 यहाँ पे आएगा, ये 1 रहेगा, ये -1 रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट है आर टू, आर टू कितना है 1 है, माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, तो 2 1 कम 2, 2 और कितना जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये इंटू ए सबके साथ चलता रहेगा, ठीक है, कहीं छूट जाए तो उसको आप लिख लेना। नेक्स्ट अब इसको जीरो बनाना है तो आर वन को चेंज कर देंगे, आर वन माइनस 3 ऑफ आर टू, इस 1 से 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, जीरो, इसलिए आर टू में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 0 0 एंड 1, ये तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए आर वन का वैल्यू कितना 1 माइनस 3 इंटू आर टू का वैल्यू कितना, माइनस का 2 3 2 6 6 और 1 7, तो यहाँ पे जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट है -1 -3 इंटू 3 3 इंटू 3, तो 3 3 9 9 और 1 10, तो ये जो माइनस का 10, ये जो माइनस का 2 और ये जगह 3 इंटू ए, तो इसको कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए से जब इसकी कंपैरिजन कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस 2 माइनस का 10 और 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड 2 हैं, इसको भी चलिए एक स्तंभ संक्रिया से करते हैं, स्तंभ संक्रिया से, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन से करेंगे, तो इसको लिखेंगे ए इक्वल टू ए आई, ए 3 माइनस का 1 माइनस का सॉरी माइनस का 4 माइनस का 1 एंड 2 इक्वल टू ए 1 0 0 एंड 1, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, ठीक है ना, इन दोनों को जीरो बनाना है, ये 1 होना चाहिए और ये हमारा 3 जो है वो 1 होना चाहिए, तो इसको जीरो बना लेते हैं। तो यहाँ पे आर वन को चेंज कर देते हैं, आर टू ऑफ आर वन प्लस आर टू, देखिए इसमें 2 से गुणा करते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 2 मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैंने आपको कल बताया था कि सेम साइन के होते हैं दोनों तो माइनस करते हैं, और सेम साइन अब विपरीत साइन के होते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो ये 3 2 6 और माइनस का 4, तो 6 माइनस 4 कितना जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि हमने केवल आर वन को चेंज करा है, आर टू हमारा सेम रहेगा, आर टू में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। ए अब यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, आर वन इसमें 2 से गुणा कर दो तो 2 1 कम 2, 2 प्लस 0 तो जाएगा 2, इसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और ये जो 0 और 1, ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको जीरो बनाना है तो आर टू को चेंज कर देंगे, ये माइनस का ये प्लस का है तो ये प्लस होगा, तो आर टू प्लस ट्वाइस ऑफ आर वन, आर वन में 2 से गुणा कर दो, 2 2 4, 4 में से 4 कटेगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 2 0, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ए देखिए अब ऑपरेशंस करते हैं, इसमें क्या ऑपरेशन करेंगे, ये जगह 2 और 1 तो ऐसे रहेगा, आर वन ऐसे रहेगा, आर टू में चेंज करेंगे तो आर टू 0 और 2 से इसकी गुणा कर देंगे तो 2 2 4, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आर वन है, आर वन 1 है, 1 इंटू 2 2 प्लस 1, ये जगह आपका 3, क्या जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, नेक्स्ट आर वन चेंजेस टू 1/2, सॉरी हमने यहाँ पे स्तंभ संक्रिय लिया था ना, तो हमने डायरेक्टली इसको रो से ही कर दिया, स्तंभ यूज ही नहीं किया, तो यहाँ पे इसको काट देते हैं, पंक्ति संक्रिया कर देते हैं, ठीक ना, आई ए मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक ना, सॉरी फॉर डेट।
चलिए कोई नहीं, स्तंभ से भी सॉरी पंक्ति से भी वही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्तंभ से करेंगे। आर वन इक्वल टू 1/2 ऑफ आर वन एंड आर टू को चेंज कर देंगे 1/2 ऑफ आर टू, मतलब इसमें भी दो से गुणा कर डिवाइड कर देंगे, इसमें भी दो से डिवाइड कर देंगे, इसको वन बनाना है इसको वन बनाना, तो दो से डिवाइड करेंगे वन हो जाएगा, जीरो जीरो और ये हो जाएगा आपका वन इज इक्वल टू, इसको दो से डिवाइड करेंगे तो एक, एक बट्टे दो, इसको दो से डिवाइड करेंगे तो दो और ये 3/2, ठीक है इंटू ए, तो ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू वन, 1/2 2 3/2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 -6 एंड 1 and -2, ए इक्वल टू, ठीक है तो देखेंगे इसमें, तो इसको स्तंभ संक्रिया से करते हैं, स्तंभ से करते हैं, स्तंभ संक्रिया से ए इक्वल टू आई ए आई, तो 2 1 -6 -2 इक्वल टू ए ऐसे रहेगा, इसको ऐसे लिखेंगे 1 0 0 and 1, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपली जस्ट अब कॉलम को ऑपरेशंस करेंगे, क्योंकि स्तंभ का लिया है ना, कॉलम ऑपरेशंस करेंगे, इसको जीरो बनाना है इसको जीरो बनाना है, ये वन और ये वन वन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर इसको वन बनाना है ठीक, या इसको जीरो बना देते हैं, सी वन को चेंज कर देते, सी वन चेंजेस टू 2 of C1, इसमें 200 गुणा करके इसके साथ जोड़ देते हैं प्लस C2, ठीक है तो देखेंगे, तो ये जगह 2 of C1, इसमें 200 गुणा कर देंगे तो 2 4 4 -6 -2 और ये तो जगह हमारा 0, तो -6 और -2, ठीक है बराबर A, इसमें ऑपरेशन करेंगे तो C1 प्लस C2 ना, तो इसमें 200 गुणा करेंगे 2 1 2 2 + 0 2 हो जाएगा, इसमें 200 गुणा करेंगे 0 0 + 1 1 हो जाएगा और 0 and 1 ये हो रहेगा हमारा, क्लियर। नाउ -6 को 0 बनाना है तो इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो C2 को चेंज करेंगे, इसमें 300 गुणा कर देते हैं तो 3 of C1 + C2, उसके साथ इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, सॉरी विपरीत साइन क्या है ना, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं C2 - 3 of C1, क्योंकि दोनों माइनस माइनस, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो ये तो -2, ये तो हो जाएगा हमारा 0 0 और ये हो जाएगा -2, क्योंकि 3 2 6 + 6 - 6 मिलकर क्या जाएगा 0 और ये -2 ऐसे रहेगा, ये अनइफेक्टेड रहेगा, तो ऑपरेशन हमेशा इस तरीके से करना है कि ये वाला एलिमेंट हमेशा अनइफेक्टेड रहे, इसमें कोई चेंज ना हो, ठीक है चलिए बराबर A। अब यहाँ पे C2 कितना आपका 0 है, 0 - 3 of C1, C1 का वैल्यू इतना है 2, तो 3 2 6 तो ये हो जाएगा आपका -6, ठीक है। नेक्स्ट है C2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो 1 - 3 C1, C1 का वैल्यू कितना 1, तो 1 × 3 3 - 3 और -1 तेजा -2 और C1 हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे रहेगा। अब इसको 0 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो R1 को चेंज कर देंगे -1/2 R1, ऐसे R2 को चेंज कर दे -1/2 R2, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 and 1 इज इक्वल टू A, देखिए सॉरी रो नहीं कॉलम से कर रहे ना, तो C1 ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा हमारा C2, देखिए इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों प्लस प्लस के हो गए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -1 और -1/2, इसमें -1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 और ये जाएगा 1, क्योंकि 3 2 6 2 1 2, तो इसकी तुलना कर देंगे I इक्वल टू A इंटू A इनवर्स से, जब इसकी तुलना कर देंगे तो A इनवर्स इक्वल टू में मिलेगा -1 -1/2 3 and
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर 6 माइनस के 3 माइनस के 2 और 1, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसका 3 6, इसका कोई इन्वर्स पॉसिबल नहीं। देखिए इसका ए मॉड निकाल देते ना, ए मॉड तो इक्वल टू कितना, 6 1 6 माइनस 3 2 6, तो 6 - 6 इक्वल टू कितना जगह, 0। ए मॉड 0 है तो लिख देंगे, अतः इसका ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ये एक सिंगुलरिटीज मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि इस जब इसमें ऑपरेशंस करेंगे तो ऑपरेशंस करने से क्या होगा कि ये सारे 0 0 हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे ऑपरेशंस अगर मैं करता हूँ ना, यहाँ पे देखिए इसमें अगर ऑपरेशंस करते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं, इसको 0 बनाते हैं या इसको 0 बनाते हैं, देखिए इसको 0 बना देंगे, तो यहाँ पे R1 चेंजेस टू R1 + 3 of R2, इसमें 3 से R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये देखें 6 2 3 2 6 माइनस का 6 + 0, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 1 तो ये 0 हो जाएगा, तो -2 और 1, ये जब इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो कभी इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अस्तित्व नहीं है तो लिख देंगे ये। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए इक्वल टू 2 - 3 एंड -1 एंड 2, 2 - 3 - 1 और 2। देखिए इसमें पंक्ति सॉरी स्तंभ संक्रिया यूज करते हैं, स्तंभ संक्रिया करते हैं, संक्रिया से ए इक्वल टू ए आई, तो ए 2 - 1 - 3 और ये जगह आपका 2 इज इक्वल टू देंगे ए, ऐसे रहेगा 1 0 0 एंड 1। इसको सिंगुलर मैट्रिक्स में सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 है ये 2 है, ठीक है ना। तो C1 को चेंज कर देंगे, ट्वाइस ऑफ C1 + C2, ठीक है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके C2 को जोड़ देंगे, तो ये जगह देखिए पहला ऑपरेशन करेंगे C1 में, तो 2 2 4 4 - 3 तो कितना आएगा 1, इसमें 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 + 2 0, -3 और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। बराबर ए सेम ऑपरेशन करेंगे C1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 1 2 + 0 2, 0 से मल्टीप्लाई 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 + 1 तो आएगा 1 0 1, ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगेन यहाँ पे C2 को चेंज कर देंगे तो C2 + 3 of C1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ देंगे क्योंकि माइनस का 3 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 3 - 3 कितना जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 0 0 2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे C2 को चेंज कर देना, तो C1 हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए C2 कितना है यहाँ पे, 0 0 + 3 of C1, C1 का वैल्यू कितना है 2, तो 3 2 6 ये तो जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट देखिए C2 का वैल्यू कितना, 1 1 + 3 × C1, C1 का वैल्यू कितना है 1, तो 3 1 3 3 + 1 कितना जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे एक अगेन C2 चेंजेस टू C2 / 2, C2 को क्या कर दिया, यहाँ पे 2 है ना, इसको 1 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो C2 ये ऑपरेशंस लिखेंगे 1 0 0 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ए, तो देखेंगे 2 1, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 6 2 2 4, तो इसको ऑपरेट कर देंगे ए आई इक्वल टू ए इन टू ए इनवर्स इसकी तुलना कर देंगे, ठीक है ना, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू जगह 2 3 1 एंड 2, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, देखेंगे तो इन दोनों के अगर कंपैरिजन करते ना तो देखेंगे तो ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या हो गए, बराबर इंटरचेंज हो गए, ये वाला 2 ऊपर चला गया, ये वाला 2 नीचे आ गया और ये दोनों फिर से नेगेटिव हो गए, अपोजिट साइन के हो गए, तो नेगेटिव कर देंगे इसका तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 3, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप बिना सॉल्व करें इसका आंसर आप बता सकते हैं कि इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो का आनंद लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। और चैनल पर व्यूज़ नहीं बढ़ रहे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियोस को पूरा देखा करिए, अगर कुछ आपको सीखना है तो। अगर आप सीखना चाहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, पूरा नहीं तो कम से कम 50-60% वीडियोज़ देखा करिए, क्योंकि आप वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे तब जाके आप सीख पाएंगे, और तभी आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं, 95 से अबव मार्क्स आ सकते हैं अगर आप सीखेंगे तो। ऐसे ही एक एक दो दो मिनट वीडियोज़ देख के आप छोड़ देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है वीडियोज़ देखने का, ना ही आपके पढ़ने का, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो जब भी आप देखते हैं, जब भी आप वॉच करते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। स्किप करेंगे तो आपका नॉलेज भी स्किप हो जाएगा, तो प्लीज़ ये बात आप ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और हमारे चैनल पर भी थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़े, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं और दो चार एग्जाम्पल्स हम करेंगे, उसके बाद विविध एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। बाय बाय।